हनुमान जयंती से पहले ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से निर्देश, जिन इलाकों में धारा 144 वहां पर नहीं निकाली जाए शोभा यात्रा। कोर्ट का ममता सरकार को केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश, कोलकाता, चंदनगर और बैरकपुर में 3 कंपनीज की तैनाती का फैसला किया। हुगली में हिंसा और रिसरा रेलवे स्टेशन पर पथराव के खिलाफ बीजेपी का कोलकाता में पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक मार्च, सांसद लॉकेट चैटर्जी की अगुवाई। बीजेपी ने पूरे मामले में पुलिस पर एकतरफा एक्शन का लगाया आरोप, ममता सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हनुमान जयंती को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी, सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश। राष्ट्रपति भवन में दिए गए पद्म पुरस्कार, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित, अखिलेश यादव ने पुरस्कार लिया। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लिखा वंचितों और पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। 50 से ज्यादा लोगों को राष्ट्रपति ने दिए पद्म पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार एमएम किरवानी को भी पद्मश्री सम्मान। राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया, गृहमंत्री अमित शाह ने विजेताओं के सम्मान में डिनर दिया। पद्मश्री से सम्मानित बिद्री कलाकार अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया, कहा मुझे नहीं थी बीजेपी सरकार में पुरस्कार मिलने की उम्मीद, लेकिन आपने मुझे गलत साबित किया। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों को बड़ा झटका, जांच एजेंसीज के दुरुपयोग के मामले में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद से विपक्षी दलों ने वापस लिया याचिका, कांग्रेस समेत 14 पार्टी ने अर्जी दी थी। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, नेताओं के लिए अलग से नहीं बन सकता कानून। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा ऐसे मामले में हम जारी नहीं कर सकते कोई भी गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर तंज, कहा सर्वोच्च न्यायालय ने उनके सभी आरोपों को किया खारिज। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन, सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा होने के पूरे आसार। बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस के नाम दर्ज भी बड़ी सफलता, एलसीए ट्रेनर ने एचएएल हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक भरी अपनी पहली उड़ान। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन के साथ किया करार, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई प्रतिभाओं को मिलेगा मौका। गाजियाबाद में कश्यप महाकुंभ रैली में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद वीके सिंह, डिप्टी सीएम ने गिनवाई योगी सरकार की उपलब्धियां। गुजरात के सारंगपुर में स्थापित होगी हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा, अमित शाह करेंगे लोकार्पण। बागेश्वर में लगातार बारिश से अप्रैल में जनवरी जैसी ठंड, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी। हैदराबाद में भारी बारिश से हुआ जलभराव, रोड पर लंबा जाम लगा। छपरा में घर और खेत में लगी भीषण आग, खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक। उधम सिंह नगर में फार्म में बने पानी का पाइप में तेंदुआ फंसा, वीडियो हुआ वायरल।